अस्सलाम वालेकुम। आज हमें 10th क्लास फिजिक्स में बेटा 15 चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन बेटा, ठीक है। तो इंडक्शन दरअसल उसका फिनोमेना हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या है। दरअसल म्यूचुअल का जब वर्ड आ जाता है, म्यूचुअल का मतलब मोर देन वन या टू, ठीक है बेटा। बाहमी इंडक्शन यानी एक चीज एक कॉइल में कोई काम होगा, उसका इफेक्ट दूसरी कॉइल में हमें महसूस होगा बेटा। बात समझ आ गई। तो एक कॉइल होगी हमारे पास, इस तरह से एक कॉइल, एक फ्रेम लिया, इसके ऊपर हमने के वायर को बाउंड करना है, और इसके साथ ही हमने एक और कॉइल ले लेनी है, और इसके ऊपर भी हमने क्या लिया बेटा, फ्रेम के ऊपर एक तार को बाउंड किया वायर को, और यहाँ पर हमने लगाया हुआ एक गैल्वेनोमीटर। बात समझ आ गई। इनिशियली उस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो क्या बेटा, जीरो पे है। बात समझ आ गई। गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो इनिशियली क्या बेटा, जीरो। अब ये जो कॉइल है, कॉइल है, इसके साथ हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी बेटा, बैटरी लगा दी है, और उसके साथ यहाँ पे एक लगा दिया स्विच। स्विच एस, बैटरी का नेगेटिव टर्म है, बैटरी का पॉजिटिव। बात समझ आ गई। यहाँ तो फिर बात मुश्किल है, दूसरा पूछ लो। अच्छा अब देखो कि हमने जो बैटरी लगाई है, इस स्विच, ये एक बैटरी हमने लगाई, इसके साथ एक स्विच लगा दिया। जब स्विच ओपन है तो इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, स्विच ओपन है बेटा। इस कॉइल को हम नाम दे देंगे कॉइल ए, और इसको नाम देंगे कॉइल घूमता हुआ पीछे की जाने से ऐसे आएगा, घूमता हुआ इधर से वापस इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। यहाँ से आई करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और इधर से आई करंट फ्लो करना वापस आ जाएगा बेटा, ठीक है। जैसे इसमें आपको पता है कि जब इसका करंट जीरो था, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इस करंट की वजह से, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा, करंट के ऊपर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जितना कम करंट फ्लो करेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। बात समझ आ गई। मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करी है, करंट। जब करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो थी, और जब करंट मैक्सिमम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। बात समझ आ गई। जब करंट जीरो था तो इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इसमें से कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस पैदा नहीं हो रही थी बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसे ही हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया, इसके इसमें से करंट फ्लो करने लग गया, और करंट जब फ्लो करने लगा तो इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो, क्या पैदा होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, आप लोगों की तरफ से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, और मेरी तरफ से करंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी इस कॉइल की, और ये वाला पोल बन जाएगा नॉर्थ पोल, और ये वाला पोल बन जाएगा साउथ पोल। बेटा बात समझ आ गई। अच्छा तो फिर क्या होगा, जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, इसमें से कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस पैदा नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे करंट फ्लो करने लग गया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बन गया, तो फिर क्या होगा, इसमें से काफी सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देंगे बेटा। बात समझ आ गई। करंट इस तरह से, ये कॉइल, ये तार पीछे से आगे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब इस तरह से करंट फ्लो करेगा, और आप लोगों की तरफ से नीचे, और मेरी तरफ से ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन बनेगी मेरा टीम फील्ड की बेटा, ठीक है। अब देखो ये इसका नॉर्थ पोल, और ये क्या बन गया बेटा, साउथ पोल। समझ आ गई। अब इधर से इसमें से काफी सारी लाइंस पैदा हो गई, और पैदा होते हुए इस कॉइल में से फ्लो होना शुरू हो गया बेटा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल का में जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पहले से ज्यादा फ्लो होने लग गई हैं, तो इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद में क्या आ गया बेटा, चेंज हो गया। क्या हो गया बेटा, चेंज आ गया। जैसे चेंज आया, ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है, ये फौरन से क्या करता है बेटा, डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है बेटा, डिफ्लेक्शन शो करता है इस डायरेक्शन में। सर जी, गैल्वेनोमीटर को फैराडे रिंग एक्सपेरिमेंट में भी तो अप्लाई किया गया था जी बेटा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं फैराडे लॉ ना। अच्छा ये बात समझ आ गई। अब देखो जरा कि जैसे ही आप, अब ये आपके जो पहले करंट जो होता है ना,
एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जाता बेटा, एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं जाता। पहले करंट जीरो था, फिर फर्स्ट बोलो हमें हमारे करंट फ्लो करना है 10 एम्पीयर का करना है। पहले करंट जीरो था, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, चलता जाता, फिर 10 एम्पीयर पे जाके पहुंचेगा। बात समझ आ गई? एकदम से फौरन से उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं होती बेटा, ठीक है। इस तरह करंट जब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी ग्रेजुअली क्या होंगी, इंक्रीज। इंक्रीज होते होते जब करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम वैल्यू होगी और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से बेटा, ठीक है। इसकी वजह से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्या हो गई बेटा, मैक्सिमम पास होने लग गई। इसमें जितना चेंज आना था वो आ गया, मैक्सिमम करंट जब फ्लो होने लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी, यानी कॉन्स्टेंट हो गई। समझ आ गई बेटा? उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अब इस मैग्नेटिक, इस कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद, पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद होगी, ये फिक्स, वो चेंज अब नहीं हो रही। जब चेंज नहीं हो रही तो करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहा, हो रहा है दूसरे कॉइल में से, तो फिर क्या होगा बेटा, ये जो आपका वापस आपकी जो फ्लक्स की जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पास हो गई वो कॉन्स्टेंट हो गई है, चेंज नहीं आ रहा, ये निडल वापस आने की कोशिश करेगी और वापस किस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी बेटा, जीरो। करंट कितना फ्लो होना शुरू हो जाएगा बेटा, जीरो। बात समझ आ गई? अब देखो, अब हम ये क्या हो गया, अब हालांकि करंट भी मैक्सिमम फ्लो होने लग गया, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो गई, मैक्सिमम हो गई, अब ये निडल वापस आ गई है, ठीक है बेटा, इसलिए करंट फ्लो इसमें नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहते हैं, आप रात तक आपने चेक किया, वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, रात तक आपने लगाई रखा, करंट निडल, जो निडल वाले जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, वो एक जगह पे फिक्स है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप चलो मैं कल चेक करूंगा, मैं रात हो रखा, काफी रात हो गई, स्विच बंद कर दिया मैंने। जैसे आपने स्विच बंद किया तो फिर क्या देखते हैं आप, ये वाली निडल जो जीरो पे थी अब ये वापस किधर आने लगी, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में आने शुरू हो गए बेटा। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स। पहले करंट इस तरफ फ्लो, करंट इस तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा था, फिर जीरो पे आ गया, अब उसने बजाय इस तरफ डिफ्लेक्शन देने के इस तरफ डिफ्लेक्शन दी। अब देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्विच हालांकि मैंने बंद कर दिया फिर भी ये सारे काम होने लग गया। तो फिर ये हुआ बेटा कि जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, इस सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद हो गया बेटा। सर्किट में जब करंट फ्लो होना बंद हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है आई के साथ ये, जब करंट ऐसा ऐसा कम होना शुरू हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। बस समझ आ गई? कम होना शुरू हो गई, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होना शुरू हो गई। पहले इसमें से 15 लाइन पास करी थी, एक लाइन यहाँ से खत्म हो गई, कितनी बदली 14। फिर इस तरह से जैसे करंट कम होता गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का प्रोड्यूस होना भी कम होना शुरू हो गया बेटा। फिर आपका क्या हुआ कि इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल बी, वो उनका वैल्यू क्या होना शुरू हो गई, कम। जब कम होना शुरू हो गई तो आपके फ्लक्स की वैल्यू बेटा फिर दोबारा से चेंज होना शुरू हो गई। जब फ्लक्स की वैल्यू या नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल, उसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो गई, करंट फिर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। लेकिन इस बार जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग है, वो क्या है बेटा, डिक्रीजिंग है। तो अब जो करंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ताकि ऑपोजिट पोल यहाँ पे बन सके बेटा, ऑपोजिट पोल यहाँ पे बन सके। इस वजह से फिर आपकी जो करंट गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, पहले से ऑपोजिट होगी। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं बेटा, इंडक्शन। भाई हम चेंजिंग जो कर रहे हैं, स्विच ऑन ऑफ जो कर रहे हैं, वो एक कॉइल में कर रहे हैं, उसका असर हम दूसरे कॉइल में देख पा रहे हैं बेटा। क्या असर देख पा रहे हैं, कभी ये निडल इधर जाती है, कभी निडल इधर जाती है, इस तरह से डिफ्लेक्शन शो होती रहती है बेटा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इस कॉइल में से। बात समझ आ गई बेटा? तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। हम करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं एक कॉइल में, और उसकी वजह से जो आपका जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या नाम देंगे बेटा, हम इसको समझते हैं द फेनोमेना। ये वो फेनोमेना है, किस चीज का फेनोमेना, ऑफ प्रोडक्शन। किस चीज का प्रोडक्शन बेटा, इंड्यूस करंट का इंड्यूस होना इन वन कॉइल। इस कॉइल में करंट क्या हो रहा है बेटा, इंड्यूस हो रहा है, उसमें अगर करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से दूसरी कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। हम जो कल कर रहे थे ना
कि मैग्नेट को पास लेके आते थे, मैग्नेट को करीब लेके आते थे, हम दरअसल उसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे। क्या कह रहे थे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को। वो था परमानेंट मैग्नेट, वो कौन सा मैग्नेट था बेटा? अब अभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, लेकिन किसके जरिए बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए। किसके जरिए बेटा? इस मैग्नेट को कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। क्या कहते हैं बेटा? टेम्परेरी मैग्नेट। भाई जब तक इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा तब तक जो मैग्नेट बना रहेगा, जब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया तो मैग्नेट बेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई। ये तो फिर मैग्नेट नहीं रहेगा। ये बात समझ आ गई? तो ये क्या बन जाएगा? टेम्परेरी मैग्नेट। कभी कभी मैग्नेट बन जाता है और कभी कभी मैग्नेट नहीं बनता बेटा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इस म्यूचुअल इंडक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है, वो होता है हेनरी। क्या होता है बेटा? यूनिट होता है हेनरी। बस ये आप बुक में तो नहीं लिखा हुआ, मैं जर्नल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। एक हेनरी जो होता है वो यूनिट, यहाँ पे हम एज यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बेटा एज यूनिट। साइंटिस्ट का नाम था लेकिन इसको एज यूनिट इस्तेमाल। वन हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड के बराबर। बात समझ आ गई? तो इसके बराबर होते हैं। तो बेटा ये सारा फिनोमेना आपको बात समझ ना आए तो जरा पूछ लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।